अन्नी भाई राम राम बोलना अन्नी भाई का गूर का पिशा मैं नागपाल से लूंगा के लिए जिंगूर का पेशाब लेने जा रहा हूँ। ये देखो भाई, ये रहा। अबे भाई गूगल पे सुना है भाई, हो जाती है मतलब पेशाब की बूंदें यहाँ रखनी है। चाय पिएगा? हाँ भाई चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, सब चीज पिएंगे भाई। पिलाने वाला अंदर लिए क्या ब्रो भाई? ये सब पिएगा तो जिंगूर का मूत्र भी मैं ला दूंगा। उसमें मेरा पेशाब नहीं होगा, जिंगूर का ही होगा। उसको गोपाल दवा खाना लिखा होगा। कल जिम का पहला दिन था, आज दूसरा है। टिक्की अलग वैरायटी चेक हो रही है। मेरे से गोलगप्पे का कंपटीशन में जीत जाओ, मैं मान जाऊंगा। कितना आया एक बार में? मैंने भाई 35-40 गोल। अगर ये गेनिंग करना चाहता है तो झिंगूर के पेशाब की दो बूंदे रोज पीने लग जानी पड़ेगा। से जो गेनिंग होती है ना, हाँ। वो इतनी फास्ट होती है कि आप उस अगर चिंगूर का पेशाब पिए दो बार दिन च हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, पूछ ले ले। अब मैं कंफर्म मानूंगा और ना मान लूंगा। चिंगूर का पेशाब लेना है, चिंगूर का पेशाब लेना है। गोपाल दवा खाना लिखा होगा भाई, ये नहीं कि मैं जो अपना पेशाब दे दूंगा। तो इसकी जड़ी बूटी ना बाद में, वैसे 30,000 रुपये की एक जड़ी बूटी आती है। अगर मेरे को हंसी नहीं आ रही भाई, क्योंकि रियलिटी है ना। 12 बजे चलेंगे लेने, जाएंगे। एक पेशाब है, नाम नहीं ले सकता, वो भाई को जाना है। मतलब उससे गेनिंग अच्छी होती है। गूगल भी कराया, कराया नहीं गूगल बता दे। गूगल था नहीं कहा आना भाई। 12 बजे कितनी बूंद लेनी है अभी? अभी कितनी बूंद लेनी है? 10 बूंद ले लें, मजाक नहीं। चलना है लेना, देख ले भैया ने बोल दिया, कोई नुकसान नहीं है, देख ले। कि कब जाना है? वैसे मैं लेट हो जाता हूँ, मेरी है जो वहाँ पे अटेंडेंस लगती है। देर ले तो मरे जा रहे हैं लोग। तो भैया इधर आओ, इनसे पूछ ले यार, मजाक है। अगर इसको गेनिंग करनी है तो इसको झिंगूर का पेशाब नहीं पीना चाहिए, बस देख ले। भाई उसके लिए तेरे को भाई दिन की दो बूंद लगेंगी और 8 महीने लगातार, मतलब कि 4,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। कर देगा तो भाई बता देंगे, बता दे। नेट पे देखा नहीं देखा? सच्चे में देखा भाई, सच्चे। ये देख ले, अब सच्ची हो गया, जब नेट पे इसको चेक कराया कि भाई वो रियलिटी है। टंकी के अंदर पाइप लगा, इसके मुंह के अंदर चला गया फटाफट, बच गया। फिर मल्टीविटामिन वगैरह ये कुछ नहीं लेना, हंसने की बात भाई कुछ नहीं लेना। वो एक खुद आयुर्वेदिक जेल है, मतलब वो आयुर्वेदिक दवाई है, उसके अंदर सारी जड़ी बूटियां मिली हुई हैं। बसी बोर से लेकर कार बैठे कार विच मेरे जुन में जे यार, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 8:20, मैं जाऊंगा लाले के साथ जिम। तो भाई मिलता हूँ 9:15 पे आपको, रेडी शेडी स्टेडी गो। ओके चुको, एकदम रेडी, पूरा टिप टॉप हो गया हूँ। आज करेंगे बैक और शोल्डर। तो अभी टाइम हो रहा है 9:15, तो 5 से 10 मिनट में आ जाएगा लाला, फिर जाएंगे जिम। फिर जिम जाने के बाद दिखाएंगे वर्कआउट, आज फटाफट करेंगे और जल्दी से घर आ जाएंगे। आज कहीं जाना नहीं है, आज का दिन नॉर्मल रहेगा। तो भाई अभी जो बात करूँ, अगर मैंने कल की बात करूँ तो कल मैंने भाई नॉर्मल अपनी डाइट रखी थी, इसके अंदर मैंने खिचड़ी दिन में 4 बार खिचड़ी खाई थी, 4 बार, और फिर रात तो ग्रीन टी पी के मैं सो गया। तो अभी मुझे लाइटेड सही लग रहा है, ब्लोटेड नहीं है। अब जाके देखते हैं हम वेट, अगर वेट सही रहेगा तो यही डाइट कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर आज दाल चावल खाएंगे, क्योंकि पीली वाली दाल भरी है, वो दाल जो है वो हल्की रहती है, ईजीली डाइजेस्ट रहेगी बढ़िया तरीके से। और मम्मी आ गई है भाई, देख लो तुम, तो पजामा धो देना पीछे तो सारे नीचे गिरा। पजामा जो है भाई गंदा हो गया था, तो ये धुलवाएंगे। और यहाँ कच्चा गिरा हुआ है मेरा, ये है माचो मैन का कच्चा, नीचे गिरा है कच्चा मेरा। तो भाई अब 9:15 बज गए हैं, प्री वर्कआउट डाल के मैंने बैक कर लिया पूरा रेडी, यहाँ पे अपना व्लॉग आ चुका है आउट। तो भाई अब जैसे लाला आता है जाते हैं नीचे, ठंड का नामो निशान नहीं है और लाला आ चुका है नीचे। अब भाई मेरे को लगता है स्कूटी की आवाज ही है, लेट्स सी या तो वो होगा या तो भी वो नहीं होगी। हमारी वो अभी आ रहा है, आ गया भाई आ गया। कालूवा
भाई एक बात हूँ, क्या होता है ना राजा जिंदगी होती है लोगों की, तो ये है राजा जिंदगी। पहले इनका टाइम होता था 9:15, फिर हुआ 9:20, फिर हुआ 9:25, फिर हो गया 9:30। अरे अब कितने बजे का टाइम है ऑफिस का, मतलब ऑफिस कितने बजे का खुलता है तेरा? 9 बजे। हैं? 9 बजे खुलता है। तो भाई तो तू क्यों लेट जाता है? 10:30 तक की एंट्री है ना भाई। अभी टाइम देख रहे कितना हो रहा है, 9:45 है, तूने यहीं कर दी है। पहुँच जाऊँगा। हैं? पहुँच जाऊँगा यार, तेरी वजह से मैं लेट हो जाता हूँ, मेरी बहन जो वहाँ पे अटेंडेंस लगती है। हैं? तेरे लिए तो मरे जा रहे हैं लोग। हैं? तो भाई मैं जिम पहुँचूँगा और यहाँ पे सानी रोड पर करूँगा बकचोदी थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में, फिर चलेंगे जिम। जा रहे हैं? कैसे जाएगा? तो भाई जैकेट चेक कर लो, अगर किसी को भी जैकेट लेनी हो तो ये भाई शोर बाजार से लेके आए। सही बता, अगर कभी नींद आए तो मजाक कह रहा हूँ, अगर कभी भी नींद आती है ना तो वो जेल जो मोटिवेशन, अरे मजाक नहीं सच्ची कह रहा हूँ, वो जेल 7 तारीख को आएगा और झिंगूर का पेशाब, झिंगूर का पेशाब जो है ना अगर तुमने डाइट में ऐड कर लिया गेनिंग भी हो जाएगी। अरे मजाक नहीं सच्ची कह रहा हूँ भाई। पता है कहाँ से मिलता है? गोपाल दवा खाना है, आयुर्वेदिक शॉप, उसको बोलना झिंगूर का पेशाब दे दो, वो देंगे देखो 10 बूंद मिलती है 50 रुपये की, अगर तू एक एक बूंद में प्रोटीन का उसमें ऐड कर लेगा ना गेनर में। बता फिर ले आऊँ? हैं? 10 रुपये 50 रुपये की है, मैं ला दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, झिंगूर का पेशाब बोलते हैं उसको। तो भाई बता, नहीं लाना भाई? भाई फिर कर दूँ ऑर्डर, कर दूँ ऑर्डर, कर दूँ ऑर्डर। अरे मजाक नहीं सच्ची कह रहा हूँ भाई, अबे गेनिंग के लिए ही है भाई, नाम समझ में आ गया? तू अकेले पूछा ही हो है? क्या नाम है? गोपाल दवा खाना देखा है, पटेल पार्क है ना, उसके यहाँ पे जो आयुर्वेदिक की शॉप है यार, मीट मटन की शॉप नहीं है, ऐसे रोड पे जा रहे हैं यहाँ पे मटनों की शॉप है उसके यहाँ। भैया से पूछ, भैया इधर आओ, इनसे पूछ ले यार, मजाक है, अगर इसको गेनिंग करनी है तो इसको झिंगूर का पेशाब नहीं पीना चाहिए। बस देख ले, देख लो भैया भी, हाँ सही कह रहा हो भाई, झिंगूर का पेशाब अगर तू पिएगा तो उसकी 2 बूंदें डालनी है अपनी डाइट में। बता फिर, चले मेरे साथ चल दी, उनको ही पता, सबको पता यार, तेरे को नहीं पता ये बात भाई, लेना तो बता दियो, रास्ता बता दिया मैंने, उसको क्या बोलना है? हैं? किसका भी साहब? झिंगूर का, झिंगूर का भी साहब दे दो। तो भाई इसके साथ जाऊंगा मैं, अभी लेना दिखाऊंगा आप। भाई वेट है 85-200। सचिन कितने बजे चलना है फिर? पक्का? घर नहीं, हाँ अरे मेरे को नहीं, तेरे को मैं दिलवा दूंगा भाई अगर चाहिए तो, मजाक नहीं, मजाक से हट के कह रहा हूँ भाई, इसको मैं दिलाऊंगा झिंगूर का पेशाब, वो मतलब कि वो ऐसा रान बान है भाई कि अगर जिसको गेनिंग नहीं हो रही हो, मेरे को पता नहीं तेरे को बताया क्यों नहीं किसी ने भाई, मेरे को भी कल पता लगा कि उससे हो जाती है, मेरे 2 दोस्तों ने खाया है, चिंटू जानते चिंटू अपना वाला नहीं, मेरी गली में एक चिंटू रहता है जिसको मैं व्लॉग में लेता हूँ, एक उसने खाया और एक नेमो, वो भाई वो छोटा सा है, अभी दिखाऊंगा फोटो दिखाता हूँ, इन दोनों ने खाया, इनका वेट भाई, तेरा वेट कितना है? 50-50 किलो के थे, बहन जो झिंगूर का पेशाब पिया, ये तो बहन महीने में उड़ गए, कसम से कह रहा हूँ तेरे, कैसा झूठ बोलूंगा क्या? तो भाई अभी जाएंगे झिंगूर का पेशाब लेने, कहाँ पे? गोपाल दवा खाना, ईश पटेल यार, पटेल नगर मार्केट है ना, पटेल पार्क देखा है, उसके बाद मीट की शॉप है, मटन की आयो, अरोड़ा पनीर है, अरे मेन मार्केट है पंजाब डेयरी, अरोड़ा पनीर नहीं पता तेरे को, सैलून देखा मैस्ट्रो सैलून, पटेल पार्क देखा है, बस पटेल पार्क से इधर लेफ्ट आएगा गोपाल दवा खाना, इससे बड़ी शॉप है, अगर मैं भी ना गया तो उसको जाके खुद बोल दियो, क्या बोलना है?
अब तेज बोलना झिंगुर का मजाक हां बोल तेरे को अगर वो मिलेगा तो लेके आइयो गेनिंग बहुत अच्छी होती है भाई मजाक नहीं अगर मैं मजाक कर रहा हूं तो मैं हंस चुका होता अभी तक अभी हंसी नहीं आ रही होगी बस सच्ची में है भाई तो भाई मैं पीता हूं प्री वर्कआउट फिर उसके बाद उसको पिलाएंगे झिंगुर का पेशाब फिर भाई जाएंगे वर्कआउट करने हैं चाय जा लेके और मेरे पानी बोतल भी लिया फटाफट जाके चलो भाई अब मैं वर्कआउट करता हूं सारा घूर गया तो थोड़ा सा रह गया दीवार तो कितना रह गया तो यही थोड़ा सा रह गया था भाई प्री वर्कआउट मैंने पी लिया मैं मारूंगा क्रॉस ट्रेनर फटाफट मारते क्रॉस ट्रेनर भाई और करते हैं बैक शोल्डर अपना स्टार्ट बैक में मारूंगा चार एक्सरसाइज शोल्डर मारूंगा चार एक्सरसाइज विद रियर डेल्ट एंड शरक्स लोअर बैक मारूँ या मारूँ देखता हूँ तो भाई कुछ इस तरीके से आज मैं आया हूँ वेट है 85.2 भाई चाय मट्ठी लाता हुआ सचिन सचिन ने मेरा हफ्ता वापस कर दिया और सचिन लाएगा भाई चाय और ये लाया भाई पार्ले जी जी माने पार्ले जी की जी माने क्या होता है हैं अबे जी माने जी लेते झिंगूर का पेशाब भाई देख ले फिर मेरे को पक्का चलना है ना मजाक नहीं कर रहा मैं इस बार कसम से कह रहा हूँ हैं 12:30 12 बजे तक निकलते हैं मैं ही दिलवा दूंगा तो उसको कुछ बोलियो मत मैं खड़े होते को दिलवा दूंगा भाई किसी को बताइए मत भैया से मैं तेरे को कंफर्म करा दूंगा कि वो होता है अभी अगर अभी आ गए हाँ गूगल पे भी दिखा देगा इनसे पूछ ले यार मजाक कर रहा है मैं मजाक थोड़ा ना कर रहा हूँ झूठ थोड़ा ना बोल रहा हूँ एक बात बताओ भैया अगर इसको गेनिंग करनी है अच्छी तो गोपाल दवा खाना नहीं है अपना उससे झिंगूर का पेशाब की 2 बूंदे अगर अपने डाइट में डाल ले नहीं पड़ेगा हो सकता है ना ये देखा भी वो बोल नहीं रहे वैसे होता है भाई तेरे को हर्ष भी कंफर्म कर गूगल कर ले यार है ना तो भाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड टाइप है अभी चलूंगा तेरे को दिलवाता हूँ यार 50 रुपये का बहुत है ठीक है 12 बजे चलते हैं तो भाई अभी चाय मट्ठी खा रहा है अपनी अब ये कल से भाई देखना कितना तगड़ा होगा कल इसको बुलाएंगे झिंगूर का पेशाब चलो भाई 1 महीने में कितना वेट बढ़ाना तेरे को सीरियसली पूछ रहा हूँ भाई तेरे से पूछ रहा हूँ तू कितना चाहता तेरा क्या मन है अभी कितना है अभी है 60 किलो 700 तो मतलब तेरे को 15 किलो बढ़ाना है कब तक क्या टारगेट है कौन से महीने तक या कौन से साल तक 2024 में 2025 में कब तक भाई उसके लिए तेरे को भाई दिन की 2 बूंद लगेंगी और 8 महीने लगातार मतलब कि 4000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा कर देगा तो भाई करवा देंगे प्रोटीन वोटीन कुछ नहीं लेना उसके साथ ना गेनर ना प्रोटीन विटामिन विटामिन कुछ नहीं दूध में 2 बूंद खाने वाने के साथ ही दूध में 2 बूंद रात को सोने से पहले रोज़ 150 ग्राम बढ़ेगा चलेंगे फिर अभी लेने जब मैं मंगा दूँ घर ही मंगा दूँ नाम पता लग गया ना पढ़ लेगा ना उसके ऊपर क्या लिखा होगा क्या लिखा होगा हाँ बता बता झिंगूर का पेशाब झिंगूर का पेशाब अभी नहीं तो हम चल ही लेंगे यार 5 मिनट का तो है मतलब रोज का 150 ग्राम पड़ेगा अगर तू उसको दूध में 2 बूंद ज़्यादा खाएगा पिएगा मतलब चलो भाई अपना मैं दिखाता हूँ भाई पहली बार कोई बंदा एक्सपोज करेगा ये चीज़ की ये चीज़ भी होती है लेकिन फर्स्ट टाइम 2024 में 15 किलो बढ़ जाएगा इसका ठीक है भाई करते हैं इसको एक्सपोज आज ठीक है भाई मुकरी हो मतलब लेके स्मेल बड़ी होती है उसमें ठीक है बता दे नेट पे देखा नहीं देखा सच्चे में देखा भाई सच्चे ये देख ले अब सच्ची हो गया जब नेट पे इसको चेक कराया कि भाई वो रियलिटी है नहीं
तो भाई ये कल से इसका शुरू कराते हैं, जब मंडे से देख ले, अब हंसना नहीं है, तगड़ा हो जा, पेंटे नहीं ले यार, टाइट हो जाएगी सब, अब इतना वेट गिरेगा नहीं, वेट भाई बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा तभी तो खिला रहा था वो गिराने के लिए, तू खाना ना खा 10 दिन, तू वैसे ही गिर जाएगा तेरा वेट है, पेंटे टाइट हो जाएंगे पूरी ऊपर नीचे हर जगह से, अब तैयार हो जाए बस तू तगड़े होने के लिए। 75 किलो 2024 दिसंबर तक देख लो भाई, चाल ही खड़े होने की चाल तेज हो गई है इसकी, तो ये ऐसे करने ना मत लग जाइयो ठीक है 2024 तक वेट टारगेट है 75 किलो हो जाएगा, अभी 60 है तो 15 किलो भाई, दो दो बूंदे अगर रोज की पिएगा 3024 100 साल कह रहे हैं। अब भाई अब जो हम स्टेरॉइड डालेंगे, मतलब कि जो आयुर्वेदिक वाला जेल डालेंगे, पूछवाता हूँ भैया को, आते मैं ही पूछवाता हूँ, मल्टीविटामिन वगैरह ये कुछ नहीं लेना भाई, कुछ नहीं लेना, वो एक खुद आयुर्वेदिक जेल है, मतलब वो आयुर्वेदिक दवाई है, उसके अंदर सारी जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं, मतलब ओवरलोड नहीं हो जाएगा, फिर एक मशीन काम करेगी एक मशीन काम नहीं करेगी, मतलब कि उसको दोनों तरफ से मिलेगा तो वो कन्फ्यूज हो जाएगी ना, समझ गया, तो भाई इसको एक ही जगह से खिलाएंगे पिलाएंगे। क्या हो गया, पेट्रोल चला गया क्या मुंह में, हैं अबे तेज बोला कर यार, भैया का दोस्त ने बुलाया पेट्रोल भरवाने के लिए, क्या देख टंकी भरवा देता हूँ अपनी गाड़ी में, डाल पेट्रोल पे, जैसे ही इसने टंकी के अंदर पाइप लगाया उसके मुंह के अंदर चला गया पेट्रोल, बच गया, फिर हॉस्पिटल ले गए उसको, ये एक्सरसाइज के मारेंगे, 4 सेट मेरे 3 कम्प्लीट हो गए, कहीं गया होता तो तीसरी साइड इफेक्ट था इसमें को बनाया, और इसके कहने मारेंगे 4 सेट ठीक है, 4 चलना है फिर 12 बजे, अगर ये गेनिंग करना चाहता है तो झिंगूर के पेशाब की 2 बूंदे रोज पीने लग जानी पड़ेगा, से जो गेनिंग होती है ना हाँ। वो इतनी फास्ट होती है कि आप उस गेनिंग को रोक ही नहीं पाओगे, ये मजाक में ले रहा है, तो झिंगूर के पेशाब को लेने चलेंगे भाई गोपाल दवाखाना पर, मैं दिलाऊंगा 10 रुपए की 2 बूंदे है, 50 रुपए मैं तेरे को दिला दूंगा, मैं तो देख लिया भाई ने बोल दिया यार, उसके साथ में मैं आपको एक गोड रोक दूंगा, वो डेली उसके अंदर डाल के पियो, वो आयुर्वेदिक है भाई, वो बता उसका नाम नहीं बता सकते, वो तो फिर चिपक जाएगी ना शरीर में, ठीक है सचिन अब तो कंफर्म हो गया, ठीक है अब हो गया कंफर्म, देखो गूगल भी करके दिखाया है, गूगल में दिखा दिया भाई, चलना है हैं लेना, देख ले भैया ने बोल दिया कोई नुकसान नहीं है, देख ले कि कब जाना है, देसी स्टेरॉइड है, बोल लो भैया देसी स्टेरॉइड है ना, ले भाई अब देख ले, 2 बूंद आनी है दूध में, वैसे नहीं अरे तेरे से मजाक करेंगे यार, देख इतना सीरियस हो गया मैं बोल रहा हूँ, चिंटू भाई सही नहीं कह रहा, पूरा जिम गलत हो सकता है क्या, देख ले ये भी देख ले, अब बता चल आ जब छोड़ने जाएगा तो चलेंगे, चलना है फिर कितने हैं, कितने बजे हैं, तेज बोल लेना 12 बजे, कितनी बूंद लेनी है अभी, अभी कितनी बूंद लेनी है, एक बूंद ले लें, 10 बूंद, और जाएगा ये इतनी, अरे नहीं, 5 दिनों का कोटा कर दो, 10 दिन बूंद सही है ना भाई, 10 बूंद फाइनल कर दी, 10 बूंद लेके आ रहे हैं, अरे हफ्ते का है, हफ्ते का, 1 हफ्ते का ला रहे हैं, दिन में 2 बार ही पीनी है, मतलब 2 बूंद नहीं है, 1 सुबह एक शाम, ठीक है, 1 किलोमीटर 1,000 1,500 किलोमीटर
डन है ना फिर भैया, देख लो मजाक नहीं चिंटू भाई। बिल्कुल बिल्कुल मोंटी भाई डन है। ठीक है चलते 12 बजे। तो भाई इसने डन कर दिया, 10 बूंदे लेके आएंगे। किसी को नहीं पता ना, मजाक नहीं। पता है क्या है, अगर नेट पे डलगी तो लोग ये बोलेंगे कि भाई ये स्टेरॉइड मिला कहाँ से, क्योंकि ये आर्टिफिशियल स्टेरॉइड है आयुर्वेदा का। तो इसकी जड़ी बूटी ना बाद में, वैसे 30,000 रुपये की एक जड़ी बूटी आती है इसकी। तो भाई किसी को बताइए, क्योंकि वो डॉक्टर मेरा अपना है, उसको मैंने 3 लोगों को दिलवाया। तो उसको बताइए, 2 अपने गली में रहते हैं, एक पुराने जिम में आता था वो, सूरज वाला जिम था ना, जो मैं पहले करता था किशोर जी के साथ, उस वाले जिम में आता था। तो अब भाई किसी को पता मत दियो, देख ले तेरे पे विश्वास कर रहा हूँ, ये व्लॉग में डलेगा, किसी को घंटे का पता चल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मजाक नहीं, अगर मेरे को हंसी नहीं आ रही भाई, क्योंकि रियलिटी है ना। 12 बजे चलेंगे लेने, मन मुकरेगा तो नहीं, क्योंकि फिर मैं उसको बोल देता हूँ 50 रुपये का लेंगे, मैं दिलवा दूँगा 50 रुपये ही तो है। 50 में अगर गिन आता है तो फिर मोटा उठा लेंगे 500 रुपये का, मैं ही स्पॉन्सर करूँगा तेरे को, पैसे भी लूँगा और बता। ठीक है तो भाई लेने जाएंगे, एक पेशाब है नाम नहीं ले सकता, वो भाई को जाना है, मतलब उससे गेनिंग अच्छी होती है। गूगल भी कराया, कराया नहीं गूगल बता दे, गूगल था नहीं कहा आना। चलो भाई उनसे हम निकल गए दोनों, एक मैं और एक सचिन। अब भाई ये बोलेगा तो मैं जाऊँगा, मैं नाम ही नहीं लूँगा उसकी चीज़ का। वो बैठने दे चल, तो ऐसे ही खुल जाएगा। चल चले भाई, कहाँ जाना है पहले, जहाँ बोल रहे जाने के लिए। भाई तो मुझे बताएगा तब मैं कंफर्म मानूंगा, और ना मान लूंगा। झिंगूर का पेशाब देना है, झिंगूर का पेशाब देना है। अबे मोंटी भाई कह तो रहे मैं ले आऊँगा, एक काम करता हूँ मैं शाम को ले आता हूँ, तेरे को मैं ला दूंगा, उसके ऊपर गोपाल दवा खाना लिखा होगा भाई, ये नहीं कि मैं जो अपना पेशाब दे दूंगा। ठीक है ठीक, मुझे रेड लाइट उतार, फिर मैं जाता हूँ तेरा पेशाब लेके आता हूँ, बैठ झिंगूर का है ना। चल भाई चलो फटाफट ले ले, अब रेड लाइट पे छोड़ दे भाई, इधर से लेगा क्या। चलो भाई देखो बस में मत देखो, वो देखो सारे। तो भाई अब जा रहे हैं, मैं शाम को ले आऊँगा इसके लिए झिंगूर का पेशाब, ये नहीं अच्छी होती है यार, मोंटी भाई बोल रहे थे ना होती है। भाई अब मैं घर पहुंच के, मुंडा आया मेरे नाल, एनू ना गेनिंग करनी है, मजाक ले रहा है, अगर है चिंगूर का पेशाब पिए 2 बार दिन च हो जाएगी नहीं हो जाएगी, पूछ ले, ले मजाक ले रहे हैं। हाँ बस 2 बार पीनी है झिंगूर के पेशाब से, गेनिंग हो जाएगी बढ़िया। देख ले अंकल यार मना करेंगे क्या, सही बताते हैं है। मैं क्या गोपाल दवा खाना चल रहा, तेन 2 बूंदा दिन दी, ठीक है ठीक है ठीक है, कल मैं तेरे शाम को लेके आऊंगा पक्का। चलो भाई शाम को लेके आता पक्का, ठीक है 2 बूंद झिंगूर के पेशाब की, ठीक है। जा हाँ जी हाँ देखिए मैनू किन्ने हो गए 40 एने स्नीकर किन्ने दी है 40 20 रुपए दी बुंड मार ली तू मेरी। चलो मैं आ जाऊंगा घर पे, टाइम हो रहा है 12:15। अब मैं खाऊंगा भाई, आज मैंने खिचड़ी नहीं बनवाई क्योंकि मैंने आज खानी थी भाई ये पीली वाली दाल, चावल रोटी दही और ये छाछ, इसके बिना भाई रोटी मेरे को मजा नहीं आता। तो 2 दिन मैंने खिचड़ी खाई, आज ये खाऊंगा। तो अगर वेट ट्रैक पे नहीं आया तो खिचड़ी, अगर वेट ट्रैक पे रहा तो खाना। कितना वेट था आज? था 85 पूरा। 87 क्यों नहीं था? है 87 होना चाहिए। तो भाई ये मेरा वेट बढ़ाना चाहता है लेकिन ऐसा होता तो कि मैं खाता नहीं गंदा, तो भाई खा के मिलता हूँ। 12:30 भाई मैंने रोटी खा लेती, उसके बाद मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो भाई मेरे को फिर भूख लग रही है, अभी 2:02 हुए हैं, तो भाई मैंने फिर रोटी स्टार्ट कर दिया खानी, मतलब थोड़ी सी बाउल में चावल और ये, क्योंकि दाल जो है ना ये बहुत ईजीली डाइजेस्ट रहती है तो मेरे को बढ़िया लगती है हल्की। राइस दाल और दही, ये थोड़ा सा 100 ग्राम 150 ग्राम चावल हैं, सुबह भी 100-150 ग्राम खाए थे, 300 ग्राम चावल हो गए। अब शाम को ग्रीन टी वगैरह पी लूँगा, अगर होगा तो एक बार और खा लूँगा शाम को 3-4 बजे। अंडे चिकन का मन नहीं करता, वैसे भी आज थर्सडे है, आराम से अपनी देसी डाइट खाएंगे और कल वेट चेक करेंगे। आज 82.85.2 आया था, तो मैंने इंस्टाग्राम पे बहुतों से पूछा भी था कि आना चाहिए,
तो सबने एक आधा 85.9 85, तो मतलब 85.2 ओके है, यहीं पे स्टक्ड है वो वेट। अब देखते हैं कल क्या होता है। अभी मैं ये खा लेता हूँ, फिर भाई मिलता हूँ शाम को नीचे जाके। चाय पिएगा? हाँ भाई चाय पिएंगे, गोभी पिएंगे, सब चीज पिएंगे भाई। पिलाने वाला अंदर ही है क्या ब्रो? भाई ये सब पिएगा तो झिंगूर का मूत्र भी भाई मजाक में दुख होता है, करती नहीं है बहुत कम बॉडी बनती है। आप चेक करिए, मैंने चेक करिए यार, मैंने गेन करा है यार। झिंगूर का पेशाब पीते हो लेकिन पीली दो बूंदी है ज्यादा, पीते मसल फट जाएगा। और पीनी पता कैसे, जैसे कि रखो दूध है ना, दूध जल्दी में दो उसमें नहीं डालनी भाई, नया स्टाइल आ गया है जो मैंने विचार होता है। इधर इधर लगा ले दो बूंदे और दूध। अच्छा अच्छा समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। सही है ना, इससे दो शक्तियाँ बढ़ेंगी तेरी। झिंगूर का जो पेशाब है ना भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मजाक नहीं। इसलिए पूछ ले इनको, पता होगा। अंकल बड़े ये होता है लेकिन लोग बताते ही नहीं। लंबी हो अगर देखो सही होती है। इधर आओ, क्यों अरे कैमरा बंद करो यार, क्यों बंद करो भाई। अबे तू तो सुपरस्टार है, तू तो भाई तेरी वजह से तो कंटेंट चल रहा है। इधर आना, बताना क्या तेरी वजह से इसका ब्लॉग चल रहा है भाई। भाई जो गोपाल दवा खाना नहीं है, हाँ। गोपाल दवा खाना पे मिल रही है वहाँ पे बोतल में। बस अब बोल, तेरे साथ झूठ बोलेंगे यार। देखो भाई पे ट्रस्ट नहीं है क्या इसने पिया? मतलब भाई पे ट्रस्ट नहीं कर सकता? अब हमने मैं अपनी बात कर रहा हूँ, भाई पे ट्रस्ट नहीं कर सकता क्या? हद हो गई यार। अब बोल जो झिंगूर का वो है ना, बता ना। अरे आ रहा है, कैमरा बंद कर रहा है, कैमरा नहीं बंद कर रहा। अब देखो तेरे को मजाक करके कह रहा हूँ, गोपाल दवा खाना देखा तूने? अरोड़ा पनीर देखा कहाँ का? हाँ पटेल नगर अरोड़ा पनीर ना, उसकी जो रोड है देखता नहीं लेफ्ट को लामा के पास, वो सी ब्लॉक की तरह रोड जा रही है। उस रोड पर नहीं जाना, सीधा जाना मेस्ट्रो सैलून आएगा, मेस्ट्रो सैलून के साथ में गोपाल दवा खाना। इतनी बड़ी दुकान है। अच्छा अच्छा अच्छा, इतने बड़ा गेट है उसका। हाँ इतना ही बड़ा है उसका भी। शीशे का दो गेट है, एक ग्रीन का है, एक वहां एक बगल में मैकेनिक भी है। नहीं उसके सामने तुम ही चेक करा आया, मतलब उसको पता है उसके बारे में। क्या बोलना है, क्या बोलना है तुम बताओ? मैं तो बता चुका हूँ क्या बोलना चिंटू, क्या बोलना है इसको। भाई वहाँ जाके उसको बोल दो मेरे को झिंगूर की वो चाहिए पेशाब की बोतल, छोटी छोटी इतनी सी देगा बूंदों वाली, दस बूंद आती है 50 रुपए की। मैं 500 रुपए दूंगा, तू 100 बूंद ले आ पेशाब की। अगर तू कहे कि मैं ला दूँ तो मैं ला दूंगा, उसमें मेरा पेशाब नहीं होगा, झिंगूर का ही होगा, उसको गोपाल दवा खाना लिखा होगा। ये मजाक ले भाई, कसम भाई हाइट भी बढ़ेगी और सब कुछ बढ़ेगा। बात क्या हाइट से, तेरी नहीं बढ़ेगी हर जगह की, बढ़वानी है ना सारी जगह नहीं चाहिए सूर्य नहीं, लाऊं मैं ला दूं फ्री में। अरे यार अब ये लेके आएगा तो भाई डिफॉल्टेड माल भी ला सकता है, सब भी लाने देने करता है। अन्नी भाई राम राम बोलना, अन्नी भाई का कितने कप लाया ये भाई? 10-15 कप। 3-7 कप किस लिए गया है? शहजादा ऐसे बोलते हैं भाई, अपना भाई है चाहे इसके अंदर झिंगूर का वो डाल ले, मजा आ। दो बूंद झिंगूर, हाँ भाई तू कभी जिंदगी में तो चाय पिया नहीं होगा, तुम्हारा बाप पी रहा है। चलो बंद करो कैमरा। नहीं आ रहे भाई, एक बात बताओ इनको करनी है गेनिंग, इनकी को तो मैंने इनको बोला है कि गोपाल दवा खाना नहीं है वहाँ से झिंगूर के पेशाब की दो बूंदे आती हैं, वो दूध में डाल के पी ले तेरी गेनिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सही है ना? मैं तो बॉडी बिल्डर हूं नहीं, वैसे वेट बढ़ा सुना है ना आपने गूगल पे क्या सुना है भाई, हो जाती है मतलब वो पेशाब की बूंदें यहाँ रखनी है और उसमें दूध पी जाना है। ये मजाक ले रहा है, जा रहे हैं झिंगूर का पेशाब लेने गोपाल गली में, तो गोपाल दवा खाना जा रहे हैं, नागपाल लेने जा रहे हैं झिंगूर का पेशाब। मैं नागपाल से लूंगा, मैं नागपाल कौन था
पता नहीं जो भी था बंदा झिंगूर का पेशाब देख के हैरान हो गया। तो भाई मैं विशाल और जो गली में गोली रहता है उस दोनों के लिए झिंगूर का पेशाब लेने जा रहा हूँ। ये देखो भाई ये रहा। ओ भाई ये अब वो पियेंगे और तगड़े हर जगह पे मिलता है ना। अब मैं भाई जगह पे मिलता है झिंगूर का, इसकी पहचान करनी सिर्फ हन्नी भाई को आती है। ये देखो ये रहा, हन्नी भाई ने पहचान कर ली झिंगूर के पेशाब। तो भाई पहुंच के मिलूंगा वहां पे। क्या रहता है ये जो चिंटू गलियों में से लेके आया ना, ये सुनसान गली है, यहाँ पे ना ब्लेड मार बैठे होते तो मतलब चोर चोर के। तो भाई मत आया कर इस गली से, नहीं आऊंगा भाई क्योंकि यहाँ पे ना क्या ना वो ब्लेड यहाँ फंसाते हैं और जैसे तुम सामान नहीं दोगे तो पट करके तुम देंगे। तो इसलिए भाई हमें देख के हर चीज करनी पड़ती है। तो भाई अब इस गली से देखो कितनी सुनसान है, देखो फ्लैश के बाद ऐसा लग रहा देखो ये मक्खियाँ बिन बिन आ रही हैं। तो भाई अब मैं यहाँ से निकलता हूँ बाहर फटाफट से, है ना। ये देखो भाई कल जिम का पहला दिन था, आज दूसरा है। टिक्की अलग वैरायटी चेक हो रही है भाई, टिक्की में अनार तक डले हैं। दही ठंडा नहीं है, दही ठंडा नहीं है भाई, फिर उसके लिए झिंगूर का सिस्टम करना पड़ेगा। बट सवाल अरे पता किसकी है, ये कलिंगा पे अंकल नहीं खड़े होते नंबर है। भाई एक नंबर है तो इसका ही गोलगप्पे खाता हूँ मैं, चाहे वो 20 के मुझे चार तभी मैं खाऊंगा। दो प्लेट खा गया, एक चिंटू ने पीस खाया, सात मैंने खा लिया। दिख रहा था ना तो मुंह साफ करता आ रहा था, लबड़ लिबड़ गया था ना। अब इसका फोन लिबड़ गया है, क्या बात कर रहा है। लिक्विड डिटेक्ट हुआ है, तोड़ दिया लिक्विड डिटेक्ट हुआ है भाई। कौन लिक्विड मतलब भाई, टेस्टिंग करके दो ना। आ तेरी फेल। सही है, शादी में फाइनल करते हैं मेरी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठंडा नहीं है, ठंडा करवा देंगे। अच्छी है पर नहीं ठंडा नहीं। अनार कैसे हैं, बढ़िया छोटे हैं बड़े हैं। तो अबे अनार डले हुए उस पे, तो है। भाई कुछ भी कहो कुछ क्या बोल है तो स्वाद, पर जीप पे कुछ स्वाद सा नहीं आ रहा भाई ने मुझे बोल दिया झिंगूर की बूंदे स्वाद पे ध्यान देता हूं भाई। लेकिन मैंने क्रिटिसाइज किया था, अरे क्रिटिसाइज की बात नहीं होती, एक मजाक होता है। मेरा चिंटू इस बात पे देखो कोई प्रमाण नहीं, बैट बूट उठा के मार देना जैसे सब भाई, बैट कुछ और मत उठा लियो भाई, कभी मेरे साथ गोलगप्पे खाने चलियो, कंपटीशन करें गोलगप्पे का, कंपटीशन मेरे से गोलगप्पे का कंपटीशन में जीत जाऊं मैं मान जाऊंगा। कितना आया एक बार में? मैंने भाई 35-40 गोलगप्पे खाए हैं, 35-40। कहाँ से? रेडी से। अच्छा ठीक है, खाने भाई ठीक है। इस रात के बज रहे हैं 10:15 और हम पी रहे हैं ग्रीन टी। तो ग्रीन टी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और जाने से पहले बताना चाहूँगा, मैंने आज जो अपनी डाइट रखी है वो रखी है भाई दाल और चावल। मैंने दिन में बहुत सारे दाल चावल खाए हैं, मैंने 2 प्लेट गोलगप्पे भी खा लिए, मेरा प्लेट ब्लोटेड हो गया। कल वेट अगर बड़ा होगा तो देखेंगे, करते हैं व्लॉग कहीं पर एंड। और झिंगूर का पेशाब जो है वो नकली बात थी भाई, असली बात नहीं, कोई दवा खाने मत ले। तो बाय 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 बाय, काम और भी कर, गाना भी ला दे पीछे।